कोरोना महामारी के दौरान ये पता चला कि कई भाई और बहन गरीब तो हैं लेकिन उनको राशन नहीं मिलता। ऐसे सभी परिवारों को जो गरीब थे कोरोना महामारी के संकट के समय, हमने राशन देने की व्यवस्था की और राशन की कमी नहीं आने दी। 25 अलग अलग श्रेणियां बनाकर भी, जिनको राशन नहीं मिलता था हमको राशन दिए 25 श्रेणियों के लोगों को, और जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे उनको भी राशन प्रदाय किया। लेकिन आज एक गरीबों के हित में एक बड़ा फैसला हमने किया है, राज्य शासन ने किया है, 36,86,000 हितग्राही ऐसे हैं वर्तमान में जो गरीब है, राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं लेकिन पात्रता पर्ची उनके पास नहीं है। इसलिए आज हमने फैसला किया कि ऐसे सभी 36,86,000 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी और अगले महीने से इन सबको राशन वितरण प्रारंभ किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 1 माह का समय लगेगा लेकिन अब मध्य प्रदेश में कोई गरीब हितग्राही ऐसा नहीं होगा कि जिसको राशन ना मिले, सब भरपेट भोजन करें और गरीब परेशानी में ना रहे, आनंद और प्रसन्नता से रहे, इसके लिए गरीबों के हक में ये फैसला किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।